नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, क्या आत्माओं के लिए हर काम करना आसान होता है? दोस्तों, ये सवाल किसी का था तो आज इस पर वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, हमें हमेशा इस बात का एक ये मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि आत्माओं के लिए हर काम करना आसान होता है, आत्माएँ कुछ भी कर सकती हैं। और इसी मिसकंसेप्शन के चलते लोग उल्टी सीधी साधनाएं करते हैं, सिद्धियां लेने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भूत की या आत्मा की साधना कर लेंगे एंड उससे काम लेंगे, उससे हर तरीके से उसको यूज़ करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। सही मायने में बताऊं दोस्तों, ये चीज़ आधी सच है आधी नहीं, क्योंकि अगर जब भी कोई भी इंसान इस उसमें उतरता है किसी भी प्रेत या आत्मा को भूत को साधने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा खेल आसान नहीं है। ये प्रकरण बहुत कठिन होते हैं, इनकी क्रियाएं बहुत कठिन होती हैं और उनमें बहुत जोखिम होते हैं। उसके अलावा किस तरीके की आत्मा गिरफ्त में आ रही है जो साधना के प्रकरण की वजह से आई है, किस तरीके के स्वभाव की है, किस मेंटेलिटी की है, ये आप नहीं जानते। किस बैकग्राउंड की है ये आप नहीं जानते। या वो डिमोनिक फोर्स है, या वो एक साधारण आत्मा है, या वो वाकई में कोई उच्चबली आत्मा है। हालांकि कुछ लोग एक स्पेसिफिक यूं कह लूँ एक थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि उन्होंने परी साधना करनी है, यक्षिणी साधना करनी है एंड ऑल। पर ऐसी साधनाओं में भी कभी कभी एक्चुअल जिसकी आप साधना कर रहे हो, जैसे कि आपको यूट्यूब पर ऐसी फर्जी वीडियोस बहुत मिलेंगी कि पिशाचनी की साधना करो, डाकिनी की करो, चुड़ैल की करो, माला माल कर देगी, ये कर देगी। ऐसी साधनाओं के बावजूद भी जब बंदे की वो साधना पूरी होती है, तो कभी कभी वो जिसकी आप साधना कर रहे हो उसके आने की बजाय भी एक साधारण आत्मा आ जाती है। और अगर आप जिसकी साधना कर रहे हो वो भी आ जाए, तो भी ये गारंटी नहीं होती कि वो आपके सारे काम करने में सक्षम हो। जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हों, क्योंकि प्रेत योनि में भी जो आत्माएं होती हैं, इनके भी अलग अलग दर्जे होते हैं, इनकी उम्र के हिसाब से, इनके ट्रेट के हिसाब से, इनकी गतिविधियों के हिसाब से, इनके कर्मों के हिसाब से। तो चाहे उसमें चुड़ैल है, चाहे डाकिनी है, चाहे शाकिनी है, चाहे भूत है, प्रेत है, जिन्द है, डीमन है, चाहे पिशाच है, चाहे चंडाल है, चाहे कोई साधारण आत्मा है, हर तरीके की आत्माओं की लिमिट्स होती हैं। ये हर काम करने में नहीं यूं कह लीजिए इतने वो होते कि ये हर चीज़ कर सकें। मतलब ईश्वर ने, कुदरत ने इनके लिए भी बंधन, इनके लिए भी रुकावटें, इनके लिए भी एक स्तर निर्धारित किया है, एक लिमिट निर्धारित की है। अगर ये हर काम करने लग गए तो इस पूरी दुनिया में तो कोहराम मच जाएगा, कोई भी बंदा इनको सेध के ना जाने पूरी दुनिया ही फतेह कर लेगा। पर आपने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी लोग इन आत्माओं को सेधते हैं गलत काम की प्रवृत्ति के लिए, ये लोग कभी भी जीवन में वो तरक्की नहीं हासिल कर पाते, वो स्तर हासिल नहीं कर पाते जो ये कर सकते थे मेहनत के द्वारा। खासकर जब आपका उद्देश्य बुरा है, गंदा है, मलिन है, किसी को नुकसान पहुंचाने का है उन आत्माओं का इस्तेमाल करके, तब तरक्की रुकती ही रुकती है। इन ये आत्माएँ कोई पैसा देने की चाबी नहीं है, कोई करोड़ोंपति बनाने की चाबी नहीं है। कई केसेस में साधकों को आत्माएं सीधा स्पष्ट मना कर देती हैं कि हम पैसा लत्ता नहीं बताएंगे। कई केसेस में वे दावा करती हैं कि हम आपको खजाना निकाल के दे देंगे, और खजाना के नाम पे उन्हें छोटे मोटे कुछ गड़ावा अगर धन भी मिलता है तो वो भी उनके कुछ ही साल चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। कुछ केसेस में आत्माएँ ये दावा करती हैं कि हम ये बता देंगे, वो बता देंगे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में साधक ठगा ही जाता है इन्हीं आत्माओं द्वारा, क्योंकि ये आत्माएं भी अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, इनके भी कुछ दायित्व होते हैं, इनके भी कुछ जवाबदेही होती है। और आत्मा कोई एक बेवकूफ़ चीज़ नहीं है, ये वो शक्ति है जिसका हम आकलन भी नहीं कर सकते। कभी ना कभी ये भी इंसान थे, तो जिस तरीके से इंसान अपने हानि और लाभ के बारे में सोचता है, इसी तरीके से आत्माएं भी अपनी हानि और लाभ के बारे में सोचती हैं। ये उस साधक को उतना ही बताती हैं जितना ये बताना चाहती हैं, और कई केसेस में झूठ भी बोलती हैं। अगर इनकी क्षमता होगी कुछ करने की, तो झूठ बोल के उस क्षमता को नकार भी देती हैं। अपनी जो खुद का इनका अस्तित्व की जो इनकी आइडियोलॉजी रही है भौतिक दुनिया के वक्त में,
उस आइडियोलॉजी के हिसाब से मैक्सिमम आत्माएं जीती हैं, और वो जब भी जीवन जीती हैं तो कुछ एक तो रियलाइजेशन भी इस बात की हो जाती है कि वो एक आत्मिक रूप में है, पास्ट में फंसी हुई हैं, तो भी जो भी वो काम उन्हें करने होते हैं तो उसमें भी वो ये अपने ही उसमें तय कर लेती हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उसी हिसाब से साधक को बताती हैं कि हम ये कर सकती हैं ये नहीं कर सकती, यहाँ तक हमारी लिमिट है यहाँ तक हमारी नहीं है लिमिट। तो उसमें भी कोई साधक इन्हें विवश नहीं कर सकता, इनको लालच देके और किसी भी तरीके से इनका इस्तेमाल तो किया जाता है, पर ये बहुत कम साधक होते हैं जिनमें इतनी पावर्स होती हैं कि वो किसी को विवश कर सके। उसमें भी जो डिमोनिक सोल्स होती हैं, जो जिन्न होते हैं, इनके अंदर पावर एक्सट्रीम होती है, इनमें इतनी हम पावर मान सकते हैं कि बहुत हद तक चीज़ें हासिल कर सकते हैं, यहाँ हासिल करके दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जादूगर हैं, अक्सर बहुत से जादूगर डिमोनिक एंटिटीज़ का की मदद लेते हैं, जिन की मदद लेते हैं, किसी भी चीज़ को गायब करना है, किसी भी चीज़ को कहीं भी पेश कर देना है, पर उसमें भी एक अलग ही बंधन होता है, यहाँ तक कि हवा में उड़ना है, कुछ भी तरीके से ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि लोगों को लगे कि पता नहीं ये क्या हो गया, और एक माया जाल क्रिएट करना, तो ये सब चीज़ें कर पाते हैं। पर अगेन इसमें भी बंधन, इसमें भी रुकावटें होती हैं, इसमें भी एक स्तर पे वो मना भी करने लगते हैं। तो अगर हम सोचें कि आत्माओं के पास हर काम करने की पावर होती है, शक्ति होती है, तो ऐसा नहीं है। हो भी अगर एक मिनट के लिए हम मान लें तो भी वो अपने सारे पत्ते नहीं खोलती, अपने सारे स्तर उजागर नहीं करती हैं, क्योंकि इनको अपने सर्वाइवल की बात पहले होती है, क्योंकि ये जो साधक है उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती हैं, ये वही बताती हैं जो बताना चाहती हैं, और इस बात को ज़रूर अपने मन उसमें रखती हैं कि अगर हम सारे ही पत्ते खोल देंगे तो हमारा यूज़ करने के बाद ये हमें कहीं भी बांध के किसी के भी शरीर में फेंक सकता है या कहीं भी गलत जगह हमें छोड़ सकता है। तो इसीलिए वो हमेशा यूजेबिलिटी के हिसाब से, ताकि ये हमेशा काम की रहे बनी हुई, हमेशा उन आत्माओं के प्रति रिस्पेक्ट बनी रहे, हमेशा उन आत्माओं के निमित्त दान होता रहे और हमेशा उन आत्माओं का प्रभाव इस साधक पे रहे, तो उसी हिसाब से अपनी हामी भरती हैं या ना हामी भरती हैं या मना कर देती हैं किसी भी काम को लेके। तो ये चीज़ अगर हम सोचें कि हम आत्मा को सेध के उससे कुछ भी करवा सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। बाकी आपका कोई सवाल है पर्सनल तो ईमेल कीजिए pulkitsinghla901@gmail.com पे। आपको अगर धुनी चाहिए मेरी बनाई हुई किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालने के लिए, तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। आप चाहें तो लैंडलाइन कॉल भी कर सकते हैं 01244219446 पे। एक कॉलिंग नंबर और है, वो भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।